वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के कंपोनेंट्स को लेकर के, जहां पे एक टेबल के फॉर्म में आपको पूरा डिटेल दिया था कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन कौन से सेल हैं, उनकी क्या लाइफ स्पैन है और क्या उनके फंक्शंस हैं। आज के इस वीडियो में, जैसा कि आपके MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में दे रखा है, प्लाज्मा को लेकर के, ब्लड प्लाज्मा को लेकर के, तो आज प्लाज्मा के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो भी की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको लेकर के, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बनती है, उनको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आप भी MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। और इसमें हम लोग बात करेंगे ब्लड के प्लाज्मा को लेकर के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। उससे पहले सिंपली यहाँ पे ब्लड के बारे में भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। नॉर्मली सबको आपको पता है कि ब्लड क्या है, कलेक्टिव टिश्यू होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज होता है, और इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, फ्लूइड पाया जाता है एज वेल एज यहाँ पे कुछ सेल्स पाई जाती हैं, जिसको कि आप ब्लड सेल्स या कॉर्पसल्स के नाम से भी जानते हैं। एक नॉर्मल हेल्दी बॉडी में 5 लीटर ब्लड का लगभग सर्कुलेट होता रहता है इन अ डे में, और इसका pH स्लाइटली अल्कलाइन होता है जो कि 7.4 है। कई बार आपसे pH को लेकर के भी सवाल पूछा जाता है कि आपके ब्लड का नेचर कैसा होगा, तो यहाँ पे 7.4 pH है, दैट मीन्स स्लाइटली अल्कलाइन है, मीन्स इसका नेचर बेसिक टाइप का होता है, राइट। तो आते हैं अपने पॉइंट्स पे, दैट इज़ प्लाज्मा में। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, कि अगर ब्लड को क्लासिफाई करेंगे तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स निकल करके आएगा। एक आपका आता है दैट इज़ द प्लाज्मा सेल्स, और प्लाज्मा आते हैं, दूसरा आपका आता है दैट इज़ द ब्लड सेल्स, राइट। तो अगर इस पूरे टोटल वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये प्लाज्मा जो होता है आपका 55% कंस्टिट्यूट करता है, जबकि ब्लड जो सेल्स होती हैं वो 45% को कंस्टिट्यूट करती है। तो ये 45% जो आपका प्लाज्मा है, इसका क्या रोल है और क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ में पाई जाती हैं और क्या इसका फंक्शन है, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो प्लाज्मा के बारे में अगर बात किया जाए, तो सिंपली प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर विस्कस फ्लूइड कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि ये एक स्ट्रॉ कलर का लिक्विड है, विस्कस लिक्विड होता है, और जो कि आपके पूरे टोटल ब्लड का 55% क्या करता है, बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज फैक्टर्स फॉर द क्लॉटिंग ऑफ अ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन एक्टिव फॉर्म। बताया जा रहा है कि ब्लड क्लॉटिंग जो कि प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स भी इसी ब्लड के प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, राइट। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। कई बार डेफिनेशन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द सीरम, तो सिंपली आप सीरम को डिफाइन कर सकते हैं, सीरम इज इक्वल टू व्हाट, मींस ब्लड माइनस प्लाज्मा। ब्लड में से अगर आप प्लाज्मा को निकाल देते हैं, या इस प्लाज्मा में से सिर्फ सिंपली क्या निकाल दें, क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दें, तो उसको आप बोल सकते हैं दैट इज व्हाट, मींस सीरम बोल सकते हैं। तो सीरम जनरली आप देखेंगे कि मतलब ऐसे किसी बॉटल में जब रखा जाता है तो क्लॉट नहीं करता है, उसके पीछे के रीजन वही है कि उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर क्या कहते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं। कई बार ये सवाल पूछा जाता है प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा को अगर आप डिफाइन करेंगे तो क्या डिफाइन कर सकते हैं, प्लाज्मा इज इक्वल टू मैथमेटिकल फॉर्म में क्या हो जाएगा, मीन्स दैट इज ब्लड माइनस ब्लड सेल्स। ब्लड में से ब्लड सेल्स को पूरा आप रिमूव कर दिए, रिमेनिंग जो पार्ट बचेगा वो क्या कहलाएगा, दैट इज द प्लाज्मा कहलाएगा। सीरम को डिफाइन करने के लिए क्या बताया गया, मीन्स व्हाट, मीन्स ब्लड में से अगर आप प्लाज्मा या क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देते हैं, तो जो बचेगा उसे क्या बोलेंगे, सीरम बोलते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको भी आप याद रखते रहिए, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लाज्मा प्रोटीन, कौन कौन सी प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में पाई जाती हैं और इनका क्या रोल है, परसेंटेज है, ये भी सवाल में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चंस में। मैं राजस्थान PSC के क्वेश्चंस को देख रहा था, तो उसमें सवाल ये कुछ पूछे गए थे, तो अगर आपके सिलेबस में भी है तो यहाँ पर इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। प्रोटीन्स आर द सेकेंड लार्जेस्ट 7% कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा, मतलब सबसे ज़्यादा तो वाटर होता है, वाटर के बाद अगर कोई बात अगर किया जाए सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है, दैट इज द आपका प्लाज्मा प्रोटीन है, लगभग टोटल का 7% है। और यहाँ पे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रोनोजेन आर द इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। ये तीन प्रोटीन हैं जो कि इम्पॉर्टेंट प्रोटीन के कैटेगरी में आते हैं प्लाज्मा में पाए जाने वाले, और इन तीनों का ही अपना अलग अलग क्या है, फंक्शंस होते हैं। एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन रिटेन वाटर इन द ब्लड प्लाज्मा, ये दोनों जो होते हैं एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, इनका काम होता है कि ब्लड के प्लाज्मा में वाटर के परसेंटेज को, अमाउंट को क्या करना, बनाए रखना, मेंटेन बनाए रखने में क्या आता है, काम आता है। सर्टेन ग्लोबुलिन कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन, मींस ग्लाइकोप्रोटीन्स, मींस एंटीबॉडी, एक्ट एज एंटीबॉडी
यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि जो प्लाज्मा है उसमें ये वाली प्रोटीन्स पाई जाती हैं, और इनमें से कुछ ऐसी होती हैं जो कि एंटीबॉडी के तरीके से भी काम कर सकती हैं। तो सिंपल भाषा में समझे तो ब्लड के प्लाज्मा में आपका क्या है, दैट इज एंटीबॉडी भी प्रेजेंट रहता है। प्रोथ्रोम्बिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग बाई चेंजिंग सॉल्युबल फाइब्रिनोजेन टू इनसॉल्युबल फाइब्रिन। ब्लड क्लॉटिंग एक अलग से टॉपिक है, उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सिंपली अभी आप यहाँ पे समझ लीजिए कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे क्या होता है कि कुछ प्रोटीन्स का ऐसा नेटवर्क बन जाता है, और ये प्रोटीन के नेटवर्क में आपकी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो आकर क्या होती है, ट्रैप हो जाती हैं, मीन्स अब वो रिलीज नहीं हो पाती हैं। इसी प्रोसेस को बेसिकली आप क्या बोलते हैं, दैट इज द ब्लड क्लॉटिंग के नाम से जानते हैं। तो ये जो ट्रैपिंग की नेटवर्क करने के, नेटवर्क बनाने के लिए जो प्रोटीन्स होती हैं वो कैसा होती हैं, इनसॉल्युबल होती हैं, और ये बेसिकली हैं कौन, फाइब्रिनोजेन। क्या है फाइब्रिनोजेन, ये जो लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है ऐसे सिंगल सिंगल, ये प्रोटीन का फाइबर्स होते हैं। इसी प्रोसेस को ब्लड क्लॉटिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्रोथ्रोम्बिन है, मींस ये हेल्प करता है किसको, जो आपको फाइब्रिनोजेन है ये वाली जो प्रोटीन होती है इसको इनसॉल्युबल प्रोटीन को, सॉल्युबल प्रोटीन्स को इनसॉल्युबल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ताकि ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस अच्छे तरीके से परफॉर्म हो सके। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से मिनरल्स या कौन कौन से आयन्स या केटायन्स या एनायन्स ब्लड के प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। तो ब्लड के प्लाज्मा को लेकर के यहाँ पे प्रोटीन का नाम जो कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन है, इसको आप याद रखिए। परसेंटेज के बेसिस पे भी याद रखिए कितना परसेंट टोटल पाया जाता है, तो ये पूरे ब्लड का 55% होता है। सबसे ज़्यादा इसमें क्या होगा, वाटर होगा, उसके बाद क्या है आपका, प्रोटीन है। यहाँ पे फंक्शंस को लेकर के समराइज किया गया, क्या क्या इसके लिए फंक्शंस हो सकते हैं। तो नंबर क्या है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, आपके बॉडी से ब्लड का लॉस ना हो इस चीज़ को भी मेंटेन रखता है। रिटेंशन ऑफ फ्लूड इन द ब्लड ड्यू टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स के हेल्प से जो ब्लड है उसके फ्लूड को क्या करेगा, मेंटेन करता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑल ओवर द बॉडी, आपके बॉडी के टेम्परेचर एक यूनिफॉर्मिटी में मेंटेन बना के रखे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो आपका ब्लड का प्लाज्मा है। तो दिस इज़ अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा क्या है, कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं, क्या उसका फंक्शन है, और कैसे आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ हमने समराइज कर दिया। होपफुली कि अब आपका ब्लड प्लाज्मा से लेकर के आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएगा वो क्वेश्चंस आपके इस दिए गए कॉन्टेंट से ही सॉल्व हो जाना चाहिए, प्रॉब्लम आपकी नहीं होनी। जो चीज़ आपको ध्यान में रखना है वो क्या, सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो ब्लड प्लाज्मा है क्या, आपने सिंपली यहाँ पे बता दिया कि ब्लड के कंपोनेंट का एक लिक्विड फ्लूइड पार्ट है जिसका कलर ऐसा स्ट्रॉ कलर का होता है, और ये टोटल ब्लड का 55% क्या करता है, बनाता है, राइट। दूसरा आपने यहाँ पे पॉइंट देखा कि ब्लड में से अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दिया जाए प्लाज्मा में से, तो उसको आप बेसिकली सीरम के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपने देखा कि जो प्लाज्मा प्रोटीन हो कौन कौन से हैं, क्या क्या इनका रोल होता है, ये आपने यहाँ पे देख लिया। कौन कौन से मिनरल्स आयन है ये भी देख लिया, फंक्शन देख लिया। ये इतना इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मोर देन इनफ है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लेते हैं तो अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो वो छूटेगा नहीं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक को लेकर के मिलेंगे जो कि आपके MPPSC के सिलेबस का ही होगा, ऐसे ही कुछ शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तब तक के लिए अपनी स्टडी आप कंटिन्यू बनाए रखिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। और अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज़ वगैरह से जुड़ने के लिए, तो MS बायोलॉजी के चैनल से अभी टेस्ट सीरीज़ ऑन गोइंग है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर दे रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।